दोस्तों सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे को दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा व्हाट्सअप है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये व्हाट्सअप में दोस्तों नया अपडेट आया हुआ है जो कि मैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो का जो हमारा व्हाट्सअप है वो यहाँ पे सीधे लाइन रहता था और ऐसे, लेकिन ये जो अपडेट आया हुआ है ना बहुत ही कमाल का है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हमारा फ़ोन लग रहा है और ये डार्क मोड में है अभी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये है पूरे डार्क मोड में और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे स्टेटस बार हो गया, इसे हम जब स्लाइड करते हैं तो भी हमारा स्टेटस बार यहीं का यहीं है। यहाँ से आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा काम कर देना होगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ यहाँ सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों एक और छोटा सा काम कर देना कि यहां नीचे में आप आ जाओ और आने के बाद यहां पे कमेंट में आपको लिखना है व्हाट्सएप, यहाँ से WhatsApp लिख के और यहाँ से हमें ऐसे सेंड कर दो। उसके बाद दोस्तों अगर एक और चीज़ करना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके और Facebook या WhatsApp पे अपने कुछ दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करना। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके फ़ोन में जो WhatsApp है आप सबसे पहले उसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ जो थ्री डॉट आप देख रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर आपको कर देना है क्लिक। आपने इस पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है चैट, चैट्स का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है और नीचे में आ रहा है चैट बैकअप, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ बैकअप का जो ऑप्शन आप देख रहे हो इस पे आपको क्लिक करके अपने चैट का बैकअप यहाँ से ले लेना है। तो मैं यहाँ से फटाफट से बैकअप अपना ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने बैकअप ले लिया है ऑलरेडी, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने व्हाट्सअप को यहाँ से कर देना है अनइंस्टॉल। तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब आपको क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, जैसे कि मान लीजिए आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसके टाइटल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा स्लाइड जाओगे, देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड ऐप लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो कि व्हाट्सएप है, जो कि नया वर्जन वाला जो व्हाट्सएप आया हुआ है वो व्हाट्सएप का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपका व्हाट्सएप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको कर देना होगा उसे इंस्टॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप है तो मैं इसे फटाफट से इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं, थोड़ा बहुत बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो यहां से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं, आपको पूरी प्रोसेस मैं समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप यहां से इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो WhatsApp है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसे सिंपली यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्टोर नाम का एक ऑप्शन आता है और एग्री एंड कंटिन्यू आता है, तो हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा नंबर मांग रहा था, हम यहाँ पे फटाफट से अपना नंबर डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल लिया, अब यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट मैंने जैसे ही किया यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, अभी यहाँ से हम इसे ओके कर लेते हैं। यहाँ पे एक पिन आएगा तो पिन हम दे देते हैं जल्दी से इसको। हाँ ये ऑटो डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बैकअप फाउंड, यानी कि बैकअप जो हमारा चैट का है वो ले रहा है। तो यहाँ से हम इसे रिस्टोर कर लेते हैं। रिस्टोर पे हमने जैसे ही क्लिक किया ये बैकअप फटाफट से ले लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बैकअप हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे फिर से एक बार नेक्स्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये फाइनली अब हमारा व्हाट्सअप बनके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सअप है वो मतलब बहुत ही अलग दिख रहा है। मैं आपको यहाँ क्लोज व्यू में दिखा दूँ कि ये काफ़ी अलग तरह से आ चुका है, मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो था सीधे लाइन था लेकिन अभी टेढ़ा आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको स्टेटस देखना है तो कहीं और नहीं जाना, यहीं से आप स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, स्टेटस यहाँ से दिखने शुरू हो गए। यहाँ पे जिस किसी का भी आप स्टेटस देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। चैट की बात करें तो चैट यहाँ पे आ जाएंगे आपको। एक और दोस्तों चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखो म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ से आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। आपका जो प्रोफाइल फोटो है यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, यहाँ पे थ्री डॉट कुछ इस तरह का दिया गया है जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे में जो कॉर्नर में एक ऑप्शन है, बहुत ही काम की चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हो कस्टम स्प्लिट वीडियो स्टेटस
टेक्स्ट और कैमरा स्टेटस। तो यहाँ पे एक खास चीज़ ये है कि ये जो कस्टम का ऑप्शन देख रहे हो, यानी कि बिना किसी का नंबर सेव किए आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट उन्हें मैसेज कर सकते हैं, यानी कि इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डालना है उनका फ़ोन नंबर, जिनका भी नंबर हो आप बस नंबर डालो और डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हो, उसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर डाल के यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करोगे तो सीधे आप उन्हें भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ चैट के ऑप्शन पर आप जाओगे तो आपका कॉन्टैक्ट ओपन होगा। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो मतलब बहुत सारे फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारे, देखो थीम की जो बात करें कि अगर डार्क मोड आपको लगाना हो तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो डार्क थीम का ऑप्शन है। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया हमारा फ़ोन हो गया पूरे डार्क मोड में, यानी कि हमारा व्हाट्सअप चला गया पूरे डार्क मोड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप हो चुका है डार्क मोड में। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का अपडेट, मैं तो कहूँगा कि यार डाउनलोड जरूर से जरूर करो, बहुत ही मजा आएगा इसको चलाने में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।